हेलो मैम, हेलो सर, कैसे सर? सर थोड़ा इधर आए, हल्का और धूप पड़ रही ना सर। कहाँ जा रहे हैं आज आप? हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और सर आपके आने वाले कोई प्रोजेक्ट बताइए ना कुछ आने वाले। अभी आने वाले बड़ी सी चीज़ कर रहे हैं, मैं एक शो लेके आ रहा हूँ, बड़ा सा शो होस्ट करने जा रहा हूँ, रेस्लिंग कर रहा हूँ, तो ढेर सारी चीज़ें कर रही हैं। मैम आप आपसे जाना चाहेंगे? और न्यू ईयर में अपना रेजोल्यूशन ये होना चाहिए आप सबका कि भैया हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, हर रोज अपने आपके दोस्त बनेंगे वर्कआउट करेंगे। बिल्कुल, आपको स्टार इन्वेस्टर का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी, मैं भी स्टार इन्वेस्टर के साथ जुड़ा हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर आम इंसान उनके साथ जुड़ सकता है, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए। मैम कुछ अपना प्रोजेक्ट कुछ नए कुछ आ रहे हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? मैं आजकल देखो मैं तो बहुत आराम से काम करती हूँ, आपको पता है मैंने 4 साल के बाद एक रियलिटी शो किया जो कंगना होस्ट कर रही थी, तो अभी मैं इंटरेस्ट दिखा रही हूँ यू नो इंडस्ट्री के अंदर फिर से काम करने का, मगर मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूँगी। तो दिस इज क्योंकि मैं कल तो इंडस्ट्री में आई नहीं हूँ, 10-15 साल से इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, तो लेट्स सी क्या अपॉर्चुनिटीज आती है। बट एक बात तो सही है कि लाइफ में आप ग्रो करते हो जब भी आप एक रियलिटी शो करते हो, क्योंकि आप लोगों से कट के खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो आई थिंक उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स भी जो करूँगी वो कुछ सेंसिबल होंगे, ऐसे ही करने के लिए नहीं होंगे क्योंकि प्रेशर है मीडिया से, लोगों से कि बताओ नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, उस हिसाब से मैं नहीं चलती। थैंक यू।